माइल्स मोरेलेस बना थॉर। ये स्टोरी है व्हाट इफ सीरीज कॉमिक की, जिसका नाम है माइल्स मोरेलेस बिकम थॉर। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है माइल्स तैयार हो रहा होता है, क्योंकि आज ओडिन की जुबली होती है और ओडिन माइल्स को अपना सक्सेसर बनने की अनाउंसमेंट करने वाला होता है। बट माइल्स किंग बनना नहीं चाहता, वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता है। तभी ही आते हैं अंकल लोकी, जो कि माइल्स के साथ बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। वो माइल्स को एक जगह लेकर जा रहे होते हैं बोल कर कि आज उसके डैड ओडिन के लिए वो एक गिफ्ट लेने जा रहे हैं। तभी वो लोग पहुंचते एक फ्रोजन जगह पर, जहां फ्रॉस्ट जायंट आ जाते हैं, जो कि अटैक कर देते हैं माइल्स पे, और लोकी चुपचाप साइड से निकल जाता है। माइल्स फिर उन लोगों को अकेला ही खत्म कर देता है। तभी वहां पे एक बड़ा सा स्कल पड़ा होता है, जो कि लोकी कहता है कि हम ये ले चलते हैं, तुम्हारे डैड ओडिन को गिफ्ट करेगी। जो स्कल होता है वो होता है फ्रॉस्ट जायंट किंग का, जिसे पहले ओडिन मार चुका था। बट माइल्स को ये पता नहीं होता है कि उसके अंकल लोकी के दिमाग में क्या खुराफाती प्लानिंग चल रही है। जुबली का जश्न शुरू हो चुका होता है, ओडिन सबके गिफ्ट रिजेक्ट कर रहा होता है। तभी माइल्स अपना गिफ्ट लाता है, और जब पर्दा हटाता है तो वो स्कल देखकर ओडिन बोलता है, ये क्या कर दिया भाई तुमने। तभी लोकी एक मैजिकल बॉक्स के थ्रू फ्रॉस्ट जायंट किंग को जिंदा कर देता है, और माइल्स उससे भिड़ जाता है, और ओडिन ये सब चुपचाप बैठ कर देख रहा होता है। माइल्स को फ्रॉस्ट जायंट किंग बहुत धो रहा होता है, तो लोकी ओडिन को बोल रहा होता है, तुम कुछ नहीं करोगे क्या? अगर माइल्स मर गया तो ये सब तुम्हारा फॉल्ट होगा। तभी थंडर की आवाज आती है और माइल्स अपनी पूरी एनर्जी के साथ खड़ा हो जाता है। वो फ्रॉस्ट जायंट किंग को म्योनिर की पूरी ताकत से हिट करता है, और जहां से वो आया होता है वहां उसे भेज देता है। ये सब साजिश करने के कारण गार्ड्स लोकी को अरेस्ट कर लेते हैं। माइल्स को ये पता चलने के बाद वो बहुत दुखी हो जाता है। ग्वेन स्टेसी ने स्पाइडरमैन को क्यों चीट किया, जानने के लिए ये वाला वीडियो देखिए।